खास बात तो है ही, कलर्स का पहला अपना अवार्ड्स है, गोल्डन पेटल अवार्ड्स, तो हर फैमिली को एक खास कलर दिया गया है, तो हमारी फैमिली का ये कलर है, तो और हम सबसे खास हैं, तो हम सबसे खास रंग पहने हुए हैं। गोल्डन पेटल, गोल्डन से आपका दर्शाता है सुनहरा पत्ती, लीफ, ग्रीनरी हर एक को पसंद होती है, तो हम कामना करते हैं कि हमारा भी सुनहरा भविष्य हो, कलर्स का भी सुनहरा भविष्य हो, बस ऐसे 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 उठते जाएं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कलर्स का जब बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे, तब से मैं कलर्स से जुड़ी हुई हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल मौका है, उनका पहला अवार्ड फंक्शन है, तो आई एम वेरी हैप्पी। जी, नॉमिनेट तो हुआ है और ऑडियंस ने सराहा है, ये तो हमारे लिए मतलब बहुत ही खुशी की बात है। जैसे मैं शो हवन कर रहा हूँ, उसके लिए वही जो हमारा लुक है, येलो हमें दिया है कलर, और ये येलो थीम के साथ हम कर रहे हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। कहाँ है, मुझे नॉमिनेट किया है, फुलवा में, देखते हैं क्या होता है। भाग्य विधाता से एक आध नॉमिनेशन है, सो बिंदिया के रूप में बहुत लोगों ने मुझे पहचाना जाना, तो थैंक यू सो मच। हमारी फैमिली में से परफॉर्म करने वाले हैं, जानवी परफॉर्म करने वाली है, और शायद मेघना, पता नहीं है मुझे, अम्मा जी शायद परफॉर्म करें। मैं एक सॉन्ग है धुन की, उस पर परफॉर्म करने वाली हूँ। मैं शो होस्ट करने वाली हूँ। नॉमिनेशन है तो एक्साइटमेंट तो है ही, लेट्स सी इफ आई वांट। परफॉर्मेंस के नाम पर हम लोग कोई गाना है उस पर जा करके कुछ एक मेरे जेस्चर्स होंगे, बाकी लोग जो जो हमारे लीड पेयर डांस कर। मैं क्या बताऊँ, मुझे इन्होंने कहा था कि आई वॉन्ट यू टू लुक लाइक अ सिंड्रेला एंड आई एम लुकिंग लाइक अ सिंड्रेला। ऐसा लगता है मैं अपने चैरिट से उतर के सीधा बाहर यहाँ पर आ गई हूँ रेड कार्पेट पे। कलर्स का पहला साल था, मैंने डांसिंग क्वीन किया था, और जितने लोग कलर्स में काम करते थे वेरी क्लोज टू मी, दे वेरी हार्ड वर्किंग फीमेल, सो माई सपोर्ट इज ऑलवेज फॉर देम। सिग्निफिकेंस ये है कि जो मेरा कैरेक्टर है गायत्री फुलवा में, वो काली माँ की बहुत बड़ी भक्त है, तो उस वजह से बिगिनिंग से ही हम लोगों ने ये त्रिशूल रखा है अपने इस कैरेक्टर में। जी, ये हमारे फैमिली का फेवरेट कलर है, हम सबने पहना है, और बस आज इतनी अच्छी शाम है, सारे के सारे कलाकार हैं, किरदार हैं, सब अपने अपने पर्दों से निकल कर किरदार आज यहाँ आए हैं, तो एक हसीन शाम का इंतजार है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल एनर्जेटिक हूँ, अभी आपको धीरे धीरे मेरी एनर्जी समझ में आएगी, बहुत खुश हूँ मैं। बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। चीयर अप करेंगे, हंसेंगे मालूम नहीं मेरे को। आज शादी आए क्योंकि कलर्स नहीं हमारी दोस्ती की थी ना। हाँ, कलर्स खतरों के खिलाड़ी में हमारी दोस्ती हुई थी, आई थिंक एवरीबॉडी नोज। खतरों के खिलाड़ी में जो हमारे साथ हुआ उसके बाद हमने कहा इससे ज्यादा बुरा किसी के साथ नहीं हो सकता, तो हम लोग दोस्त बन गए। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं अवार्ड देकर आ रही हूँ मोस्ट संस्कारी पर्सनालिटी को और सबसे मोस्ट नटखट, नन्हे नटखट को भी। इस अवार्ड में मेरा परफॉर्मेंस है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये ठीक से हो जाए और सबको पसंद आए। कलर्स के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, तो उनकी अवार्ड्स सेरेमनी है, तो मुझे आना ही था। 3 सालों से है रिश्ता ये, एंड इट्स बीन अ वेरी लवली रिलेशनशिप। दुआ के अलावा और इंसान कर क्या सकता है, तो दुआ ही है कि अमन से रहें, प्यार से रहें और मिलकर कुछ प्रगति कर पाएं। मैं अश्विनी को बहुत अच्छी तरह जानता हूं और कलर्स एक ऐसा चैनल है जिस पर मैं बिग बॉस देखता हूं, और मेरी माँ के काफ़ी सारे फेवरेट सीरियल्स हैं जो फेवरेट है कलर्स पे जो आते हैं। बहुत बहुत मज़ा आया अंदर, बल्कि एक उतरन में एक कैरेक्टर है नानी माँ करके, उन्होंने आग का स्टंट करके दिखाया और उनको मैंने करवाया और बहुत सक्सेसफुली उन्होंने अच्छी तरह किया। अच्छा लगा हमें क्योंकि अभी गेव अक्षय एन अवार्ड चित्रांगदा, और मैं दोनों ने अक्षय को एक अवार्ड दिया, कलर्स की शान अवार्ड, एंड आई थिंक ही ट्रूली डिजर्व्स इट, एंड खतरों के खिलाड़ी के लिए, एंड इट्स ग्रेट टू डू दैट फॉर हिम। बहुत मज़ा आया, ये पहली बार मैं टेलीविजन अवार्ड्स अटेंड कर रही हूँ, और इनफैक्ट हमने अक्षय को अवार्ड दिया, इट वाज अ ग्रेट प्लेजर, इट्स बीन ग्रेट वर्किंग विद हिम। आई गेस बिकॉज़ एवरी टाइम यू गो एंड वॉच अ मूवी इन अ थिएटर यू हैव टू पे मनी, समटाइम्स द फिल्म्स आर गुड, समटाइम्स द फिल्म्स आर रियली बैड, द फिल्म्स आर रियली गुड देन इट्स ओके टू स्पेंड दैट मनी। माय हेल्थ इज गुड, माय हेल्थ इज गुड नाउ।